बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, उसके लिए हमने जो है चिकन की यखनी, पहले से हमने चिकन बॉईल करके रखी हुई, तो ये उसकी चिकन की यखनी है। हमारे पास 250 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा चिकन थी जो हमने बॉईल करी इसी यखनी के अंदर, और इस यखनी को अब हम इसमें सूप के लिए अपने यूज़ करेंगे। मैं अब आपको बताती हूँ कि चिकन कितनी थी हमारे पास। सबसे पहले हम इस यखनी के अंदर अपनी श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे, हमने चिकन को रेशा रेशा करके रखा है, हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये ऐड कर दिया हमने। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे जितनी देर इसमें बॉईल आ जाए, और इसी में हम इतने सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो हमें ऐड करने हैं। सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ये हमने हाफ टी स्पून जितना इसमें नमक ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने यखनी में पहले भी नमक ऐड किया था जब मैं चिकन को बॉईल कर रही थी। अब अगर मुझे लगेगा कि नमक और ऐड करना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करके आपको। नमक के बाद अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर मेरे पास 1.5 टी स्पून जितना ब्लैक पेपर है, 1.5 चम्मच हम वो ऐड कर देंगे इसमें। ये ऐड कर दिया हमने। अगर मुझे कम ज़्यादा लगेगा, अगर मुझे थोड़ा सा और ऐड करना होगा तो मैं टेस्ट करने के बाद फिर ऐड करूँगी। पहले ऐड कर देंगे तो ज़्यादा हो गया तो फिर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए आप पहले अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आप सूप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्पाइसेस को। अब मैं इसको बॉईल आने के लिए छोड़ूंगी, फिर उसके बाद जैसे ही इसमें बॉईल आता है तो हमारे यखनी में, फिर उसमें मैं कॉर्न ऐड कर दूँगी। बॉईल कॉर्न है मेरे पास, या आप टिन के कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने कॉर्न को लेके बॉईल किया हुआ है, मुझे फ्रेश कॉर्न ज़्यादा अच्छा लगता था, मैंने इसलिए अपने खुद से घर में बॉईल किया हुआ है। आप टिन लेके बना सकते हैं, आप बॉईल करके बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब मैं इस पर ढकना ढक के इसको बॉईल आने के लिए छोड़ दूँगी। जब जितनी देर में इसका बॉईल आता है फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या और ऐड करना है उसके बाद। ये देखें, अब इस यखनी के अंदर बॉईल आ गया अच्छी तरीके से। अब इसी स्टेज पर जो है मैं अपने कॉर्न, एक बॉईल कॉर्न है मेरे पास, मैं वो ऐड कर दूँगी इसमें। आप, मैं अभी दोबारा आपको यही बात बोल रही हूँ कि आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ तो मैं इतना ही, मेरी ये इनफ है मेरी क्वांटिटी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं अपना सारा सामान। ये 3 अंडे हैं मेरे पास, अब मैं इसको अच्छी तरीके से बीट करूँगी, फिर मैं अपने सूप के अंदर इसको ऐड करूँगी। मैंने ये 3 अंडे अपने अच्छी तरीके से फेंट लिया, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और मैं ऐड करती डायरेक्टली चम्मच नहीं चलाऊँगी, थोड़ी देर आप इसको छोड़िएगा, वरना आप चम्मच चला देंगे तो बिल्कुल ऐसे छिछड़े छिछड़े टाइप का अंडे हो जाएंगे। थोड़ी देर आप इसको छोड़िएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऐड करें। ये देखिए, मैंने 3 अंडे इसमें ऐड कर दिए। अब मैं थोड़ा सी देर इसको छोड़ूंगी, फिर मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी ताकि एग के चंक्स थोड़े से बड़े बड़े आपके आए। ये देखिए, अब मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी, ये अच्छे से अपना, एक मिनट भी नहीं छोड़ा मैंने। ये देखिए कितने अच्छे से इसके वो हो गए अंडे के, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। वरना अगर आप फौरन चम्मच चला देते तो फिर ये आप तो बिल्कुल बारीक बारीक हो जाते अंडे, आपको खाने में भी नहीं आते, आपको मज़ा भी नहीं आता इतना। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, उसके लिए मैंने 2 चम्मच इतना कॉर्नफ्लोर लिया है, जो हम खाने का चम्मच होता है ना भर के वो लिया हुआ है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको पेस्ट वो बना लूँगी, पेस्ट जैसा। और कॉर्नफ्लोर डालते ही आपको इसको मिक्स करना है जल्दी, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे आपके सूप में। आप कॉर्नफ्लोर डाल के वेट नहीं करिएगा कि आप थोड़ा सी देर में वेट करती हूँ या कुछ भी नहीं। कॉर्नफ्लोर जैसे ही आप डालेंगे उसमें आपको चम्मच डालते डालते ही चम्मच साथ ही लाना है, वरना आपके लम्स बन जाएंगे और आपका पूरा सूप ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, मैंने अच्छे से कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया है, इतनी रनी वाटर वो फॉर्म में मैंने रखा हुआ है। अब देखिए, मैंने कॉर्नफ्लोर जो मिक्स करके रखा था मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और चम्मच चलाती जाऊँगी। थिकनेस देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप उसको रोक दीजिएगा उसकी क्वांटिटी को। जैसे ही मुझे लगेगा कि ये थिक हो गया, नहीं अभी ये बहुत रनी बहुत फॉर्म में, मैं इसमें और कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। मैंने ये पूरा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया इसमें। मैं दोबारा देखूँगी कि मुझे ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं। ये देखें, ये थोड़ा सा पकेगा तो ये और थिक होगा, मुझे नीट नहीं लग रही इसमें ऐड करने की, तो मैं नहीं कर रही।
अब आप इस पे कवर कर दें। आपने जैसे ही कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर दिया, आप इस पे थोड़ी देर कवर करके इसको 1 से 2 मिनट इसको कवर करके पकाएं, और फिर उसके बाद जो है आप इसका फ्लेम ऑफ कर दें, फिर आप इसको डिश आउट करें और खाएं। आपको बहुत मज़े का लगेगा, सर्दियों में तो आपको स्पेशली बहुत ही अच्छा लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया, ये इसका फाइनल लुक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। Thank you.